उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के थाना एवं ब्लॉक खुटार में घूम रहे एक पागल कुत्ते ने करीब 2 दर्जनों से अधिक लोगों को काटकर गंभीर घायल कर दिया। घायलों ने अपना इलाज खुटार के सरकारी अस्पताल में कराया। नगर के मोहल्ला नारायणपुर निवासी राजू ने बताया कि मंगलवार सुबह उसका 8 वर्षीय पुत्र चिराग घर के बाहर खेल रहा था, उसी समय नगर में घूम रहे एक पागल कुत्ते ने पीछे से आकर काट लिया, जिससे वह घायल हो गया। मोहल्ले के लोगों ने लाठी डंडों से फटकार के उस कुत्ते से बच्चे को बचा लिया। परिवार के लोग उसे खुटार अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टर ने घायल का इलाज किया। उधर खुटार के मोहल्ला नौगांव कोट निवासी नन्हे कुमार की 8 वर्षीय पुत्री नैसी, सरोजनी नगर निवासी 32 वर्षीय अशोक कुमार, पश्चिमी गढ़ी निवासी 35 वर्षीय बबलू, नारायणपुर निवासी 20 वर्षीय मोहम्मद दानिश, ऐसे दर्जनों लोगों को पागल कुत्ते ने काट कर घायल कर दिया। घायलों ने खुटार के सरकारी अस्पताल में इलाज कराया। पागल कुत्ते के काटने से लोग परेशान हैं। तो फजल के जा रहा है तो पीछे से काट लिया। अब आपको क्या परेशानी हो रही है? पैर फूल गया, चलने फिरने में परेशानी हो रही है। कल अपने खुटार में लगभग लोगों का 20 से 25 लोगों को कुत्ते ने काटे हैं। शायद 1 या 2 कुत्ते पागल टाइप के थे या क्या था, तो 20 से 25 पेशेंट लोग आए हैं। उसमें से मैंने एक रेफ़र किया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए, उसको थोड़ा सा टेस्टीज में बाइट किया, और सारे जितने भी लोग आए 20 से 25 लोग, सभी को वैक्सीन दिया गया, सभी को मुफ्त दवाएं दी गई। और इसमें होता ये है कि इसका रेबीज अगर जो फैल गया तो उसे पागलपन हो सकता है। जब कुत्ता पागलपन दिखाता है तो साथ में उसको भी हो सकता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है, तो उसमें भौंकने लगता है कुत्ते जैसा, मौत भी हो सकती है। हाँ, मौत भी हो सकती है।